गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्ची व्लॉग्स। तो आज है पितृ अमावस्या, जो कि पितृपक्ष ख़त्म हो गया। आज है उनका अंतिम दिन। आज सारे पूर्वजों को हमको खिला पिला के और जो भी भूल चुक हुई है 15 दिनों में उसकी माफ़ी मांग के उनको हमको विदा कर रहे हैं। सो बस अभी बस किचन में जा रही हूँ, फटाफट सब तैयारी करती हूँ और फिर मैंने ब्राह्मण को बुलाया है, उनको भोज कराएंगे और बाद में जो मैं आगे करने वाली हूँ मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। व्लॉग में बने ही रहिएगा गाइस, मिलते हैं किचन में। सब्जी बना लिया है, खीर भी ऑलमोस्ट हो गया है, मैंने बूंदी की कड़ी और ये अभी मैंने पुलाव चढ़ाया है। अच्छा गाइस, ये सब जो भी बन रहा है ना, ये सब विदाउट अनियन गार्लिक है, एकदम प्योर जैन खाना। ये गरम गरम पूरियाँ ये बाहर लेके जाएंगे अभी, वो गाय माता और कुत्ते को भी के लिए। ये हमारे वड़े जो बहुत ज़रूरी होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये तुरई की सब्ज़ी, जो कि श्राद्ध में पितृपक्ष में ज़रूर चढ़ाते हैं। सो ये है आज की तैयारी। अभी ब्राह्मण आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, फिर हम जाएंगे पशु पक्षियों को खिलाने के लिए और फिर हम कुछ खाएंगे। तब तक हमारा व्रत रहेगा। खाना सब रेडी हो गया था, तो बस अभी पंडित जी के लिए भोजन निकाल रही थी। तो कभी भी पितरों का खाना जो हम सर्व करते हैं, जो निकालते हैं, उसमें काला तिल डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं ऊपर से काला तिल डाल रही थी, जब तक काला तिल नहीं डालो तब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता। पंडित जी खाना देख के बहुत खुश हो गए थे, खुशबू भी अच्छी आ रही थी। और पूछ रहे थे आपने कौवा गाय और उनको सब निकाल दिया ना, मैंने बोला हाँ निकाल दिया। फिर वो शुरू किए खाना खाना। सो आज अंतिम दिन है, अमावस्या है, पितृ अमावस्या। आज ये लोगों को खिलाना बहुत ही अति उत्तम होता है। पूर्वजों को हमारा आशीर्वाद मिलता है, हमारे पर उनकी कृपा बनी रहती है। आज उनकी विदाई का टाइम है, हमको खूब आशीर्वाद दे के जाते हैं। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, और सिख लोग अपने वाहेगुरु, कैथलिक अपने जीसस, वैसे ही हमारे पितृ देवता भी होते हैं, जो ये 15 दिन हमारे यहाँ पे सारे हमारे जो पूर्वज जो हैं उनको भेजते हैं। और ये 15 दिन हम जितना हो सके उतना इनकी अगर सेवा करें, इनको अभी सेवा करने का मतलब अभी आप सोचोगे यार यार वो तो मर चुके हैं कैसे सेवा करेंगे, तो उनका माध्यम होते हैं ये पशु पक्षी। कौवे को सबसे बड़ा पितृ पक्षी बोला गया है, तो हम आते हैं, कौवे को खाना देते हैं, कुत्ते को देते हैं, मछलियों को भी। मैं यहाँ पे आती हूँ तो मछलियों को समुद्र में थोड़े से उनके आटे के गोले या वट एवर जो खाते, जो हार्मफुल ना हो और पानी भी गंदा ना हो, तो वो सब चीज़ मैं करती हूँ ये हर साल। आप सबको करना चाहिए, इससे बहुत पूर्वजों का हमारा आशीर्वाद मिलता है। और आज अमावस्या के दिन तो खास करके, क्योंकि आज है उनकी विदाई। आज जो 15 दिन से हमारे आजू बाजू में जो हमारे पितृ घूम रहे हैं, उनकी आत्माएं हमको आशीर्वाद देने के लिए जो आती है, हमारे घर में जो बना है वो हम उनको खिलाते हैं, तो वो आज उनका अंतिम समय है। अब वो जा रहे हैं वापस अपने पितृलोक। तो अच्छे से विदा कीजिए उनको, खिला पिला के जितना बन सके, जो हो सके, भले एक पूरी खीर या सिर्फ खीर या कुछ भी, जो भी आपसे बन सके वो एटलीस्ट आप बना के खिलाइए उनको, हाथ जोड़ के विदा कीजिए। तो ये था मेरा पितृपक्ष का 15 दिन का जो व्लॉगिंग मैं कर रही थी, आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। आई एम श्योर बहुत लोग करते होंगे ये अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, मगर मैं जिस तरह से करती हूँ मैंने आपसे शेयर किया। और कुछ जानना है या और कुछ अगर कुछ मुझसे जानना है या मुझे कुछ एडवाइस देना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मैं मेरे से जो बन पड़ेगा, मुझे जो जानकारी होगी वो मैं बताऊंगी, और जो मुझे जानकारी नहीं है, अगर मुझे कोई अगर कमेंट करना चाहता है कि नहीं ये गलत कर रही हूँ या ये सही कर रही हूँ, एडवाइस देना चाहता है, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। मैं आप लोगों के कमेंट्स के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, आपके एडवाइस के लिए भी।
सो हो गया फाइनली, खिला पिला दिया सबको. एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है इन सबको खिला पिला के. अब जाके घर पे मैं कुछ खाऊंगी. सुबह से अभी मैं यही सब ब्राह्मण को खिलाने में और सबको खिलाने में थी. अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया था. अब जाके मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी. सो इस तरीके से मनाया पितृ अमावस्या. अब कल से होगी तैयारी हमारी माता की नवरात्रि की. उनका आगमन की तैयारी करना है, वो मैं शाम को करूँगी. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स. ऐसी बने रहिएगा हमेशा. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय, टेक केयर, शुभ खैर.